हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द 21 जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सपोज़ कि आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स कार्मिक जैसे बिहेवियर कर रहे हैं तो उसका सलूशन कैसे निकाले और आपको क्या करना चाहिए सो डेट आपको भी थोड़ा सा आपके घर में पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा हो। So before that, I request you all, please do like, share and subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get first notification. So guys, suppose आपके घर में आपके parents आपको respect नहीं दे रहे हैं, आपके decision को accept नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब behave अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आप देखिए कि आपके हार्ट चक्रा में आपको कैसा फीलिंग्स होता है, आपको क्या वहाँ पे पेन फील होता है, या आपको फुल मून या न्यू मून के टाइम आपको थोड़ा सा इम्पेक्ट करते हैं आपके हार्ट चक्रा में थोड़ा सा पेन होने लगता है। सपोज़ आपको ये हार्ट चक्रा में थोड़ा सा पेन होने लग गया है तो आप एक काम कीजिए, आपका हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। हार्ट चक्रा इट्स ऑल अबाउट लव। जब आपके हार्ट चक्रा ओपन होने लगेगा और उसके साथ साथ आपके लोअर थ्री चक्रास भी ओपन होने लगेगा धीरे धीरे, तो क्या होता है, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपको प्यार करने लगते हैं और आप खुद को भी प्यार करने लगते हो। आपके हार्ट चक्रा ओपन होने से आप दूसरों को भी प्यार देते हो और खुद को भी प्यार करने लगते हो। तो क्या होता है, जब आप खुद को जब लव करना स्टार्ट करोगे, आपके हार्ट चक्रा जितना भी एक्टिव होके हील होने स्टार्ट करेगा, आप जितना भी खुद के लिए जो लव फ्रिक्वेंसी आप खुद के लिए करने लगोगे, लव फील करने लगोगे, तब क्या होता है, खुद पर खुद लोग आपको लव करने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप जितना भी हो लाइक आप खुद के लिए बॉडीली एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप सेल्फ लव के एफर्मेशन डाल रहे हो, हार्ट चक्रा ओपन के साथ साथ बॉटम थ्री चक्रास भी ओपन करने लगे हो, हील करने लगे हो, तो धीरे धीरे आपके लाइफ में जितना भी लोग हैं वो सभी लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। आप जितना भी खुद के ऊपर काम करोगे, रिस्पेक्ट करने लगोगे, कोई भी किसी भी शेप में हो, कोई भी कैसा भी कर ले, आपको रिस्पेक्ट एंड लव देना स्टार्ट कर देगा। आप जितना भी आपको मेंटेन करोगे, सेल्फ लव करोगे, आपके खुद के लिए जितना भी हो जाए वो करोगे, तो आपको लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। सपोज़ आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सपोज़ आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं और उसके बारे में सोचे जा रहे हो, गलत सोचे जा रहे हो, बुरा सोचे जा रहे हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, तब भी आपको वही रिपीटेड बिहेवियर ही मिलेगा, क्योंकि आप उस एनर्जी में इंडल्स हो रहे हो, उस एनर्जी में चल रहे हो, आप लेट गो नहीं कर रहे हो कि ऐसा मतलब कोई भी आपके पेरेंट्स है, कोई भी कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपको इम्पेक्ट अगर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपके ऊपर इम्पेक्ट कर रहा है दैट मीन्स आप उसी के बारे में सोच रहे हो, जिसके कारण आप खुद ही नेगेटिविटी में चल जा रहे हो। आप अगर खुद को लव करोगे, आप सेल्फ लव करोगे, तो इस नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं दोगे, क्योंकि उस नेगेटिव थॉट्स के कारण आप खुद को नेगेटिव बना रहे हो, आप खुद लो वाइब्रेशन पे चले जा रहे हो। तब आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब थॉट, ये सब मुझे लो वाइब्रेशन पे लेके जा रहे हैं, मैं खुद को प्यार करती हूँ तो मैं ये सब इम्पेक्ट होने नहीं दूँगी, जो भी हो जाए आई लव माई सेल्फ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ तो मैं खुद को प्यार करती हूँ। तो ये सब थॉट्स, ये सब बिहेवियर अगर मुझे इम्पेक्ट कर रहा है तो मैं खुद को ही हार्म पहुँचा रही हूँ, तो ये सब चीज़ों को लेट गो करो। और आपके पेरेंट्स अगर आपको ऐसे बिहेव करे, आप पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके पेरेंट्स के साथ भी टाइम दीजिए, वो लोगों को भी प्यार दीजिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपके थॉट प्रोसेस और आपके पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, इसके कारण
अब मतलब साइड पे चले जाते हो, आप अकेले रहना स्टार्ट करते हो, आप वो स्पिरिचुअलिटी वो सब देख रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स वो सब नहीं जानते हैं, तो आपकी वो सब अगर आप अकेले पे रहते हो आपके पेरेंट्स भी थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, और आप उस जो स्पिरिचुअलिटी में जो हम लोग करते हैं वो उसका आइडिया आपके पेरेंट्स को नहीं होता है, तो आपके पेरेंट्स जो आपके पेरेंट्स के जो माइंड के जो आपका जिस माइंड पे है उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो भी आपके के लाइफ में वो ठोकना चाहते हैं। आप वो सब मत सुनिए, आपके जो अच्छा है वो करिए, लेकिन जितना भी हो समय आप सेल्फ लव कीजिए, और आपको खुद को वो नेगेटिविटी मत डाल दीजिए कि जो आपको डाउन लेके जाए। आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो आप माइंड भी मत कीजिए, आप सिर्फ ये काम कीजिए कि खुद को लव कीजिए, आपके जो डिज़ायर्स है वो पूरा कीजिए, आपके गोल्स को पूरा कीजिए, आपके खुद को मेंटेन कीजिए, आपको कैसे रखना है वो मेंटेन कीजिए, आपके चक्रास को काम कीजिए, तो आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा कि आप की लाइफ में जो आपके पेरेंट्स हो या कोई भी हो आपको रिस्पेक्ट लव देने लगे हैं। आप फाइनेंशियली ग्रो कीजिए, आपके आप अगर स्टूडेंट हो आप स्टडी पे काम कीजिए, तो आपके पेरेंट्स खुद ब खुद आपको प्यार देने लगेगा, आपको पेरेंट्स आपको आपके भले के लिए देखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट लाइन हो जाता है जिसका आइडिया आपके पेरेंट्स को भी नहीं होता है। तो आपके पेरेंट्स ऐसा भी हो जाता है आपके पेरेंट्स अगर देखेंगे कि आपके खुद के चाइल्ड वो अकेले में रह रहे हैं क्या कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप खुद के ये काम भी नहीं कर रहे हो, डेवलप भी नहीं कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाके आप डेवलप कर काम कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स भी सोचने लगे यस आपके उन लोगों के बच्चे अच्छे काम के लिए आप काम ही कर रहे हैं जिसके कारण डेवलप हो रहे हैं। तो आपको पेरेंट्स को भी ब्लेम मत कीजिए, आपके पेरेंट्स को हमेशा माफ़ करना आपको सीखना होगा, आपके पेरेंट्स के कारण ही आप इस दुनिया में हो, इस धरती में हो, वो लोग जितना भी जो बिहेवियर करे जो भी करे आप खुद के ऊपर काम कीजिए, और आपके मेडिटेशन पे जाके आपके हार्ट चक्र से उनके हार्ट चक्र को कनेक्ट करके उन लोगों को माफ़ कीजिए, नहीं तो आपके पेरेंट्स के साथ आपका जितना भी घर में टॉक्सिसिटी जितना ही होगा उतना ही आप हाई वाइब्रेशन पे ना रह के आप लो वाइब्रेशन पे रहोगे। सो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए, आपके सक्सेस के ऊपर काम कीजिए, आपके गोल्स के ऊपर काम कीजिए, आपके स्टडी के ऊपर काम कीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कीजिए, आपके बॉडी के ऊपर काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको इतना मतलब इतना पॉजिटिव होना है कि आप ये सब नेगेटिविटी के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा आपको करना होगा। आप जितना भी नेगेटिविटी आपको आएगी तो आप ऐसा खुद को एफर्मेशन डालेगा कि आप ये नेगेटिविटी मुझे इम्पेक्ट नहीं करेगा, अगर ये थॉट नेगेटिव है तो मैं क्यों इस नेगेटिविटी में जाऊँ, तब आप एफर्मेशन दीजिए मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ इन्फाइनेटली, आई लव माई सेल्फ सो मच, आई लव माई सेल्फ सो मच, जो भी बाहर का जो भी सिचुएशन जो भी हो बाहर में जाए, ऐसा आप एफर्मेशन जो भी हो बाहर में जाए, खुद के ऊपर ये सब कीजिए, आपको जब आप गिल्टी या शेम पे नहीं रहोगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, गुस्सा हो या कुछ भी अगर आएगा अभी तो आप सप्रेस मत कीजिए, सप्रेस करने से भी प्रॉब्लम हो जाए, उस गुस्सा को आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे दे दीजिए, कुछ सब भी गुस्सा आए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके थर्ड आई पे दो उंगली से प्रेस कीजिए, टैप कीजिए, उसके बाद भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मैंने उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है मेरे शॉर्ट जो चैनल है इस चैनल पे ही, तो आप वो भी देख लीजिए, जब भी गुस्सा आता है, एंजाइटी फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, दुखी होता है, आप क्या आप कैसे खुद को रिलैक्स कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो वीडियो डालूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो कि आप खुद के लिए काम करो, आपके पेरेंट्स को हमेशा लव सेंड करो, पेरेंट्स को कभी भी दुख मत दो, क्योंकि आपके पेरेंट्स के कारण ही आप इस दुनिया पे हो। सो अब देखिए आपका अब अगर ये सब फॉलो करोगे आपके लाइफ में ज़रूर चेंजनेस आएगा, और रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप खुद को भी रिस्पेक्ट दो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना आपको आना चाहिए। सो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।